अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी उसका नाम है नन्ही चिड़िया। चलिए स्टोरी सुनते हैं। नैना एक नन्ही सी चिड़िया थी जो अपने मम्मा पापा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। इसके घोंसले के आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी चिड़ियाँ रहती थी। नैना की भी बहुत सारी सहेलियाँ थी जिनके साथ वो खेलती थी। नैना वैसे तो खुश थी लेकिन इसे एक बात बहुत उदास कर देती थी कि इसका घर बहुत छोटा था। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि इसे एक बहुत बड़ा घर मिल जाए ताकि वो अपनी तमाम सहेलियों को बुलाकर खेले। नैना का ये घर इतना छोटा था कि वो अपनी किसी सहेली को भी नहीं बुला सकती थी। नैना की मम्मा इसे अक्सर समझाती कि घर छोटा है तो क्या हुआ, तुम इसमें भी अपनी सहेलियों को बुला सकती हो। लेकिन नैना यही कहती कि ये घर छोटा ही नहीं खराब भी है, यहाँ मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। एक दिन माँ बेटी में बहुत बहस हो रही थी तो नैना के पापा ने कहा, बेटा घर बड़ा हो या छोटा, घर तो घर होता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। नैना फौरन बोली, नहीं पापा, हमारे पास है ही क्या, शुक्र तो इस दिन अदा करूंगी जब मैं एक बड़े और प्यारे से घोंसले में होंगी और अपनी सारी सहेलियों को जो छोटे से घर में रहती हैं बुलाऊंगी और खूब जलाऊंगी कि ये देखो मेरा घर कितना प्यारा है, फिर सब मेरे बड़े से घर में रोजाना खेलने आया करेंगी। अच्छा पापा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। आज हम सब सहेलियाँ नीले समुंदर की सैर करने को जा रही हैं। इसकी मामा ने कहा, नैना बेटा ख्याल से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, ध्यान रखना वहाँ शिकारी बहुत आते हैं। किसी दरख्त पर कोई पिंजरा लटका हुआ नजर आए तो इसके अंदर जाने की कोशिश मत करना, या कहीं जमीन पर दाना पड़ा हो तो ऐसे भी खाने की कोशिश मत करना। मेरी तमाम बातें याद रखना और इन पर जरूर अमल करना। नैना जो अपनी मम्मा की बातें गौर से सुन रही थी कहने लगी, एक तो आप और पापा नसीहत बहुत करते हैं। मम्मा ने कहा, बेटा बड़ों की नसीहत में छोटों के लिए भलाई होती है, छोटे अपने बड़ों की बातों पर अमल कर लें तो कभी नुकसान ना उठाएं। अच्छा मामा, अब मुझे जाने भी दें, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहकर नैना उड़ती हुई अपनी सहेलियों के पास जा पहुंची। सब चिड़ियां इसका इंतजार कर रही थी। नैना के पहुंचते ही सब ने कहा, चलो देर ना करो, अब चलो। सब उड़ती हुई नीले समंदर तक पहुंच गई। वहाँ सबने बहुत मजे किए, फिर सब छुपन छुपाई खेलने लगी। नैना भी छुप गई। नैना थोड़ी आगे जाकर छुपी थी, इसने देखा कि वहाँ एक बड़ा पिंजरा था जिसमें बहुत सा दाना पानी रखा हुआ था। वो बहुत प्यारा पिंजरा था, बिल्कुल ऐसा जैसे नैना दुआओं में अल्लाह से मांगती थी। नैना ने दिल में सोचा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। फिर वो जल्दी से वापस अपनी सहेलियों के पास गई और बताने लगी कि मैंने एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर देखा है, तुम सब मेरे साथ चलो। इसकी सहेलियों ने जवाब दिया, नहीं हमारे मामा पापा ने मना किया है, हम वहाँ नहीं जाएंगी। नैना बोली, तुम सब जाओ या ना जाओ, मैं तो वो पिंजरा जरूर अंदर से देखूंगी, वो इतना खूबसूरत है और बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। ये कहकर नैना उड़कर इस पिंजरे तक चली गई। सबने इसे बहुत मना किया लेकिन इसने किसी की बात नहीं सुनी और इस पिंजरे के अंदर चली गई। जैसे ही नैना पिंजरे के अंदर गई, पिंजरा फौरन बंद हो गया। तहम नैना खुश होकर पूरा पिंजरा देखने लगी। काफी देर बाद इसकी सहेलियों ने कहा, नैना हम जा रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नैना ने कहा, हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। लेकिन अब नैना को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी सहेलियाँ नैना को छोड़कर चली गई और कहा कि हम तुम्हारे मामा पापा को भेजते हैं। इस तरह नैना अकेली रह गई और रोते हुए मामा पापा का इंतजार करने लगी। इतने में वहाँ कुछ शिकारी आ गए। इसे देख कर कहने लगे, देखो आज एक ही चिड़िया पकड़ी गई है लेकिन है खूबसूरत, इसको तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह एक आदमी ने नैना का पिंजरा उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया और सब सामान इकट्ठा करके जाने की तैयारी करने लगे। नैना रोते हुए इनसे कह रही थी, रुक जाओ, मेरे मम्मा पापा को तो आने दो, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी। गाड़ी चलना शुरू हो गई। काफी आगे जाकर नैना ने देखा इसकी सहेलियां और मम्मा पापा इसे इसी जगह तलाश कर रहे थे जहाँ नैना और पिंजरा था। फिर नैना एक बिल्कुल अलग जगह आ गई जहाँ ना इसके मामा पापा थे ना इसकी सहेलियां और ना ही वो खुले आसमान में उड़ सकती थी। इसके पास कुछ भी ना था, हाँ बस एक चीज थी जिसकी वो ख्वाहिश करती रहती थी, वो था इसका बड़ा और प्यारा सा पिंजरा। अब नैना को हर वक्त बस एक ही बात याद आती रहती, पापा कहते थे घर बड़ा हो या छोटा, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।